इकबाल भाई बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि पिछले एक दो साल हम लोग वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, बहुत ही वजूहत थी, सब लोगों को मालूम है, उसको रिपीट करना भी मैं समझता हूँ उसको उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, चार साल तो हम बॉल अच्छा खेले, टॉप में रहे, दो तीन साल हमने गड़बड़ करी, बट ये होता है क्रिकेट में, अप्स एंड डाउन होते हैं, बट हर दफा इसी उस पर सोच कर आते हैं कि टीम अच्छी होगी, सही खेलेंगे। बस इस दफा आप दुआ करें कि इंजरी ना हो तो हमारी टीम माशाल्लाह बहुत बैलेंस है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, इस दफा फील्डिंग में भी मैार अच्छा होगा क्योंकि बहुत अच्छे फील्डर भी हमारे पास हैं। तो हमने हर चीज को सोचा है, रात को मैचेज हैं, पेसर्स अच्छे होने चाहिए, स्पिनर्स कैसे होने चाहिए, रिस्ट स्पिनर होना जरूर चाहिए, तो सब चीजें सोच के प्लान करा है इस दफा। अब आगे अल्लाह ताला की मर्जी, देखें क्या होता है, बट वी विल ट्राई आउट दैट। अच्छा, इस दफा आपके बॉलिंग अटैक में जैसे पहले भी नसीम शाह को आपने खिलाया, नसीम शाह आपकी टीम में शामिल है, मोहम्मद नवाज उनको ऊपर भी भेजते रहे, सरफराज वो आपकी टीम में शामिल है, सरफराज अहमद कप्तान है, और फिर अगर आप देखें तो जेसन रॉय भी आपकी टीम में शामिल है, इंग्लिश ओपनर, इफ्तिखार अहमद T20 स्पेशलिस्ट है, तो एक कॉम्बिनेशन तो बना है नदीम भाई, और उमर अकमल भी जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं वापसी की, वो भी आपकी टीम में मौजूद है, तो एक कॉम्बिनेशन तो आपका अच्छा बन चुका है। जी वही मैं कर रहा था इकबाल भाई के, इस दफा कॉम्बिनेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, एक एडिशन और हुआ हसरंगा का जी, जो हमारे पास मिसिंग था, एक वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर, आप बोलता है रिस्ट स्पिनर की बड़ी जरूरत होती है, जिस तरह लाहौर के पास राशिद हैं और जो सब टीमें खिलाती हैं उनको, तो वो चार ओवर बहुत सरल डालते हैं, तो अगर आप देखेंगे तकरीबन ऑलराउंडर हैं, इफ्तिखार भी बॉलिंग कर लेते हैं एज अ स्पिनर, नवाज बहुत अच्छे हैं, हसरंगा है, नसीम शाह ने अपनी बैटिंग बहुत इंप्रूव करी है, इसी तरह हसनैन ने करी है, तो हमारी माशाल्लाह बैटिंग डेप्थ भी है और बॉलिंग ऑलराउंडर और बॉलिंग स्पेशलिस्ट है ये लोग, तो वो भी हमारे पास है, और सरफराज का बहुत अच्छा कमबैक हुआ, जैसे आपने देखा फॉर्म में आ गए, इफ्तिखार अभी बांग्लादेश में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, नवाज है ही फॉर्म में, बस हमें थोड़ा सी फिक्र, जैसा आपने कहा ना रॉय वगैरह ये लोग जरा मुझे आउट ऑफ टच लग रहे हैं, तो होपफुली ये भी ऊपर से परफॉर्म करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि डेप्थ है, ठीक है, हम कंट्रोल कर सकते हैं।